कंप्यूटर साइंस क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड बहुत इंटेंशनली मैंने रखा है कि इसमें ये छोटे छोटे पॉइंट से जुड़ के आपका डेटा जो है वो बनता है, और वो डेटा जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो साइंस है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो पैटर्न है, उसको हम लोग डेटा साइंस कहते हैं। मैं आपको अगली स्लाइड से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए एक दो मिनट मेरा पीपीटी मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। यस, डेटा जो ये जो हम एक एक दिन के अंदर कितना डेटा कंज्यूम होता है, मैं आपको बता दूं 500 मिलियन ट्वीट रोज आते हैं ट्विटर के ऊपर। 4 TB ऑफ डेटा जो है वो कनेक्टेड कार से रोज कलेक्ट हो रहा है। ऐसे ही 163 TB, PB ये सब जो है ये डेटा के जिसको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स हैं। इतना डेटा हर डे के अंदर सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से, कनेक्टेड डिवाइसेस के माध्यम से, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के माध्यम से, स्मार्ट होम के माध्यम से, सब जगह से इतना डेटा आ रहा है। जब ये डेटा आ रहा है तो इसके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी साथ में आ रहे हैं। क्या होंगे सर चैलेंजेस? इन डेटा को स्टोर कहां करना, इन डेटा को स्टोर कैसे करना, इस डेटा का मैनेजमेंट कैसे करना, इस डेटा से प्रेडिक्टिव आउटपुट एनालिसिस कैसे करना, इस डेटा को चर्न कैसे, चर्न मतलब आपके काम का डेटा कैसे निकालना, इस डेटा की सिक्योरिटी कैसे करना, ये सभी जो है ये चैलेंजेस हमारे सामने। और मेरी पर्सनली मैं अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं बोलता हूं, मैं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बोलता हूं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, ये जितनी भी फील्ड मैंने बताई ये अपॉर्चुनिटी, अगर हम इसमें अपने आप को तैयार करते हैं तो कल को आगे आने वाले समय में हम मार्केट की नीड के हिसाब से काम कर सकते हैं। मैं एक स्टार्टअप जिसकी आपको इंट्रोडक्शन बताया, स्कूल का एक पार्ट हूं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मेंटर एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म है, और हम जो है वो लर्निंग का एक गूगल सर्च इंजन बनाना चाह रहे हैं। लर्निंग का गूगल सर्च इंजन मतलब ये कि आप वहां पे सर्च करोगे कि आई एम एक्स वाई जी एंड आई वांट टू लर्न कंटेंट राइटिंग, लेट्स से अगर आप ये ऐसा सर्च करते हैं तो आपको पूरी एंड टू एंड पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता के ये बताया जाएगा, मतलब वो पूरा सिस्टम आपको ये पूरा बताएगा कि मार्केट में कौन से कोर्स अच्छे हैं, कैसा है, क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, जॉब्स कैसे अप्लाई करना है, फ्रीलांसिंग वर्क कैसे लेना है, गिगिंग वर्क कैसे लेना है, और अल्टीमेटली एंड टू एंड आप कैसे उससे कमा सकते हो ये करना है। अब मैं ये पॉइंट इसलिए बोला कि हमारे स्टार्टअप के अंदर इस टाइप के मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, और उस मिलियन ऑफ डेटा पॉइंट्स से हम जो है ये एक मेंटर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जो है वो इंदौर से बना रहे हैं। दिस इज इंस्टीट्यूशनलाइज फंडेड स्टार्टअप जो कि इंदौर के अंदर अवेलेबल है। स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, आईआईटी मद्रास, आईआईएम इंदौर के लोग फाउंडिंग लोग मिलके इन्होंने इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस टाइप का एआई इनेबल्ड सिस्टम आप जैसे स्टूडेंट जो आज सुन रहे हैं, इन टाइप के स्टूडेंट मिलके इस टाइप के एक एक बहुत बड़े जिसको बोल सकते हैं एक एक, एक सर्च इंजन के रूप में बना रहे हैं। अगले 5 महीने के अंदर हम लोग मार्केट से 3-4 मिलियन डॉलर का फंडिंग मार्केट करना चाहते हैं इंदौर जैसी जगह में। कहने का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी ने आज हमको रिवोल्यूशनलाइज करा है कि हम कहीं पे भी बैठ के कुछ भी काम कर सकते हैं। डेटा साइंस की डेफिनेशन की बात करूं तो डेटा साइंस ऑल्सो नोन एज डेटा ड्रिवन साइंस, डेटा के ऊपर साइंस जो है उसको हम डेटा साइंस बोल सकते हैं, इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इधर उधर अटेंशन बिल्कुल मत दीजिए, जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट लीजिए। इज ऑल्सो नोन एज डेटा ड्रिवन साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड अबाउट साइंटिफिक मेथड प्रोसेसेस सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज और इनसाइट फ्रॉम द डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन वेरियस फॉर्म आइदर स्ट्रक्चर्ड। मेरे पास में जो चंक ऑफ डेटा अवेलेबल है उस चंक ऑफ डेटा से मैं अपना काम का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकूं और उससे आगे आने वाले समय में कुछ स्पेसिफिक काम कर सकूं, उस पूरी फील्ड को मैं डेटा साइंस बोल सकता हूं। द कीवर्ड डेटा साइंस इज नॉट डेटा, इट इज अ साइंस। ये साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। Are you trying to answer? ये सब the trap is focusing on collection of unique tools and ये सब अगर आप ये question that these techniques can be used to engineer solutions, ये सब के answer अगर आप ढूंढ रहे हैं
तो डेटा साइंस की फील्ड में आपको काम करना चाहिए। देखो मैं आपको ये जो बता रहा था रिवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस कैसे आता है, सबसे पहले डेटा फ्लो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा का स्टोरेज, लैक ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिसिस और लैक ऑफ साइंटिफिक इंसाइट, ये सब जितनी चीजें जो है उसके बाद में हम क्या करते हैं, उससे हम लोग डेटा डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रेडिक्शन लगाते हैं और पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब ये तीनों चीजें करते हैं तो अल्टीमेटली आखिर में क्या आता है आपका डेटा साइंस जो है, ये डेटा साइंस एज अ होल वो साइंस जिसके माध्यम से हम ये प्रेडिक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन और डिसीजन मेकिंग, ये तीनों चीजें जब कर सकते हैं तो हम लोग उसको डेटा साइंस कहते हैं। देखिए ये आप लोग को ये पूरी चीजें समझ में आ रहा होगा, ये पांच चीज जो है इसके माध्यम से आप जो है डेटा साइंस को अचीव कर सकते हैं। क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। जब तक डेटा स्टोर नहीं होगा तो कैसे काम होगा। दूसरा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है दूसरे अच्छे फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत जिसको बोल सकते हैं अनवांटेड डेटा भी होगा, उसको मॉडल करना है, उसको उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, एल्गोरिथम्स के फॉर्मेट में मॉडल करना है, उसको विजुलाइज करना है और विजुलाइज करने के बाद में उसको दूसरे टूल्स के ऊपर किसी दूसरे जिसको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट करना है। तो ये टोटल पांच चीज जो है ये आपको मिल गए, इसके टूल्स भी नीचे लिखे हुए हैं, जो आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं ये जितनी सीखते हैं उसका सभी का, पाइथन का, आर प्रोग्रामिंग का सबका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आर्टिकल